Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Simran and you are watching my vlogs. Guys, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि कैफ़े अंडर 500 है और फूड अंडर 500 है. सो आज फिर से मैं एक जगह ब्लॉक करने आई हूँ. इस जगह का नाम है शुगर क्रेविंग्स जो कि विवेक विहार बी ब्लॉक मार्केट में है. सो हम आ चुके हैं. मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसा ये आउटलेट है, कितना स्पेस है यहाँ पर. और गाइस मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये एक बेकरी भी है. इसके अलावा यहाँ पर आप स्नैक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं. मैं आपको सब दिखाऊंगी. इससे पहले अगर आपको चीज़ याद करवा दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें. वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. सो पहुँच गए हैं हम. अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का ये आउटलेट कैसा है और जो ऑर्डर करेंगे वो दिखाऊंगी. मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना है इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे ब्लॉग करने आया जाए. जगह बहुत, गाइस मैं आपको ऐसे बोलूँ, स्पेस इतना नहीं है. जहाँ हम जिस टेबल पे बैठे हैं सिर्फ वही स्पेस है. बट इट्स ओके, खाने से मतलब है, आप खड़े होकर भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोकेशन मैं आपको समझा देती हूँ. बी ब्लॉक मार्केट विवेक विहार मेरे सामने है बिल्कुल. और यहाँ से बिल्कुल जो मेरे अपोजिट में बैक साइड पे शुगर क्रेविंग्स जहाँ मैं बैठी हूँ. ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट द ब्लॉग. शुगर क्रेविंग्स, केक्स, पास्ता, पिज्जा, डेजर्ट, सैंडविच, शेक्स, मॉकटेल. मगर गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो सिटिंग है वो सिर्फ यही अवेलेबल है. यहाँ पर ही आप बैठ के खा सकते हो अगर भी आपको सीट मिल जाए तो. से हाय. नहीं आया. इधर सब कुछ प्रिपेयर होता है, आप देख सकते हैं. प्रॉपर हाइजीन जो है मेंटेन करके रखा हुआ है. मास्क, कैप्स प्लस ग्लव्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू कैन सी. गाइस ये बेकरी भी है एक, जैसा कि आपने बाहर देखा कि ये सब कुछ होने के साथ साथ बेकरी भी है. केक्स की वैरायटी भी बिल्कुल डिफरेंट है. दीज आर रोल्स, सैंडविचेस, बर्गर्स, पिज्जाज. पेस्ट्री सेशन. पेस्ट्रीज की वैरायटी भी बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ से मैंने स्टार्ट होता है केक से. पेस्ट्रीज एंड डेजर्ट्स. ब्राउनी, टी केक्स, पिज्जा, चीजी मशरूम लोफ पिज्जा हम ऑर्डर करेंगे. सैंडविचेस, थैंक यू. कोर सैंडविचेस एंड ब्रेड. पफ्स, ये गाइस पैटीज हैं जो यहाँ की स्पेशलिटी है. एक्चुअली हमारा ज़्यादा हो गया तीनों जनों के लिए, वरना हमने ये भी एक ऑर्डर करनी थी. हमारे लिए ये चीज़ें सफिशिएंट है. फिनिश. जोमेटो और स्विगी पर भी है ये, आप ऑर्डर कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. तो ऑर्डर हमने किया है, क्या किया ऑर्डर, मैं फिर भूल गई.
हमने क्या है, गार्लिक ब्रेड, एक चीज़ मशरूम पिज्ज़ा, एक मशरूम पिज्ज़ा और वेजी चीज़ गार्लिक ब्रेड ऑर्डर की है। इसके अलावा एक एक्लेयर्स शेक और एक कोल्ड कॉफ़ी, ये चार चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं। हम हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, तो देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगवा लेंगे। सो गाइज, ये मशरूम पिज्ज़ा जो है रेडी हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ये बेस है वो नॉर्मल बेस नहीं है, ये मशरूम बेस है। गाइस, जब तक पिज्जा रेडी हो रहा है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर ये अच्छा लग रहा हो आपको देखने में तो इसको ज़रा मुझे कमेंट करके भी बता दो। पिज्ज़ा रेडी हो रहा है, फटाफट से चैनल को आप लाइक कीजिए। गाइस, आप देख सकते हो किस तरह से ठूस ठूस के इसमें चीज़ भरी जा रही है, जो कि देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, कि जब बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। इतनी चीज़ तो डोमिनोज के चीज़ बस पिज्ज़ा में भी नहीं होती है। चीज़ बस नहीं है, ये चीज़ ब्लास्ट पिज्ज़ा है, जो फुल ऑफ चीज़ है, बन रहा है। Pizza is ready to serve. It seems so tasty.
गाइस ये पिज़्ज़ा और कौन सा पिज़्ज़ा था ये मशरूम पिज़्ज़ा और चीज़ी गार्लिक ब्रेड हमारी टेबल पे सर्व हो चुकी है। मैंने ऐसी गार्लिक ब्रेड आज तक नहीं देखी, सच में नहीं देखी। कोमल ने भी नहीं देखी, इधर हो जा तू यहाँ बैठ के बोल। इसने भी नहीं देखी, ये भी यही बोल रही है कि सच में बहुत ज़्यादा चीज़ी है। हम ट्राई करने वाले हैं, आप देखते हैं और टेस्ट बताते हैं आपको। इसका सॉस, मुझे शर्म आती है। चलो गाइज ये करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हो किस तरह से स्टफिंग है, जो एकदम घूस घूस के चीज़ भरी हुई है स्टफिंग जो है ऑल सारी वेजिटेबल्स की। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। फैंटास्टिक, सीरियसली बहुत टेस्टी, एक्सट्रीम एक्सट्रीम टेस्टी। तू ये खा के देख। ओके आई विल ट्राई दिस। यम्मी, बहुत टेस्टी है। यम्मी नहीं है, यम्मी एस्ट है। मस्ट ट्राई गाइस, बर्थ है इस जगह के लिए। मैं आपको बोलूँगी ज़रूर एक बार आओ ट्राई करो। सीरियसली बर्थ है, हर एक चीज़ की बर्थ है। और इनके प्राइजेज आप सुनोगे ना वो बताऊँगी, अभी बाद में बताऊँगी। पहले अभी हम खा लें और काजल का भी रिव्यू लेंगे, अभी खा लें। और काजल को आपको बहुत टाइम से वेट था कि अभी तक वीडियो में नहीं आ रही थी। फाइनली शी हैज़ केम। मैं अभी उसका भी आपको रिव्यू बताऊँगी। वो बैठी हुई शूट कर रही है, बताएगी अब रिव्यू देगी। ये पिज्ज़ा तो खा चुकी है, कैसा लगा बेबी? पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी है। और गार्लिक ब्रेड हम इस जगह को देंगे 5 out of 5। इतना और इसके अलावा हमने ये भी लिया एक फोटो खींच रही थी। इसके अलावा हमने ये लिया ही क्या कोमल, ये कोल्ड कॉफ़ी और वो एक्लेयर शेक। एक्लेयर शेक फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। ये भी दोनों बहुत बहुत टेस्टी है गाइस। मैं आपको यही बोलूँगी कि यहाँ पर कोमल, यहाँ पर क्या मस्त है, यहाँ पर ज़रूर आना। और इस जगह को हम सब कौन सी क्या रेटिंग देंगे? 5 out of 5। सीरियसली दिस बेस्ट प्लेस। सीरियसली मैंने ऐसी गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा आज तक नहीं खाया। आप भी जब आओगे आप ये चीज़ खुद बोलोगे। व्लॉग ओवर हो चुका है, अब हम खा पी चुके हैं और जो नहीं खाया गया वो हमने पैक भी करवा लिया। मतलब देखो कि हमने इतनी चीज़ें खाई, इतनी, और इसने कुछ यहाँ से लिया भी है सामान। हमने इतनी चीज़ें खाने के बाद भी पैक भी करवाया, तो आप समझ सकते हो कि इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब आप आओ और उस अकॉर्डिंग ऑर्डर करना। और अब चलते हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। बाय। ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती, ये इशारों से चलती है, ये इशारों से चलती है सिर्फ। अब हम कैप करेंगे, मेरा मास्क दो। अब हम कैप करेंगे। और तीनों ने यहाँ पे जो बिल आया वो हमारा 650 का था। व्लॉग अंडर 500 जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो सिर्फ 2 persons के लिए है, मगर हम 3 हैं और हमारा बिल 650 आया है। और बहुत रीजनेबल है, पेट भर चुका है पूरा। 650 वर्थ लगी दो चीज़ों की, जिसमें इतनी सारी चीज़ थी, इतनी सारी चीज़ थी। सो बहुत हुई बातें, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय करो सारे, बाय।